साथियों, आप खुश हैं, हिंदुस्तान खुश है, लेकिन दो जगह लोग परेशान हैं। आप खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है। एक है कांग्रेस का परिवार और दूसरा है आतंकियों का घरबार। आप 11 अप्रैल को जब कमल के फूल के सामने बटन दबाएंगे तो इन्हीं दो जगहों से सन्नाटा छाने वाला है। साथियों, भारत ने पहली बार आतंकियों के घर में घुसकर मारा। आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? हमारे सेना के परिक्रम से पराक्रम से आपको संतोष है ना? आप खुश हैं? दोबारा पूछता हूं, खुश हैं? संतोष है? लेकिन कांग्रेस परेशान है। ये तो घुस करके घर में घुस के मारता है। भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई, लेकिन कांग्रेस की नींद उड़ गई। भारत ने अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं को विस्तार दिया। आपने देखा होगा, 3 दिन पहले हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जाकर के जीवन सैटेलाइट को 3 मिनट में यहां से जाके गिरा दिया। और दुनिया में हम 4थे देश बन गए ये काम करने वाले। आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? आनंद हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस के आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या कर दिया। भारत आज महाशक्तियों के साथ कदम मिला रहा है, लेकिन कांग्रेस बहुत परेशान होती चली जा रही है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने ऐसी सरकार चलाई है जिसने भारत जैसे विराट देश की पहचान एक पीड़ित देश की बना दी थी। एक बेचारा बापड़ा गरीब, अब आपको तय करना है दमदार सरकार चाहिए या फिर दागदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? दागदार लोगों को विदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, देश को निर्णायक सरकार चाहिए या फिर सिर्फ नारे लगाने वाली, झूठे वायदे करने वाली सरकार चाहिए? ये निर्णय करने की घड़ी आ गई है।